राजनांदगांव जिले में युवा कांग्रेस ने प्रदेश और शहर में बढ़ते अपराधों के ग्राफ को लेकर शहर में प्रदर्शन करते हुए एक रैली निकाली। रैली निकालते हुए कांग्रेस कार्यकर्ता एसपी कार्यालय की ओर निकले, जहां पुलिस प्रशासन के जवानों ने प्रदर्शनकारियों को आगे जाने से रोक दिया। आईना लेकर पहुंचे युवक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एएसपी राहुल देव शर्मा से मुलाकात कर आईना भेंट किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने कहा कि राज्य में एक साल हो गए नई सरकार को बने, उसके बाद से लगातार अपराधों में इजाफा होता जा रहा है, इसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन की कार्रवाई समझ से परे है। युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एएसपी राहुल देव शर्मा से दो टूक शब्दों में कहा कि एक सप्ताह के अंदर अवैध शराब, सट्टा जुआ समेत संदिग्ध गतिविधियों पर अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी तो चक्का जाम किया जाएगा। युवा कांग्रेस के द्वारा जो है वो पूरे प्रदेश में विभिन्न जगह पर ज्ञापन दिया जा रहा है, उस तारतम्य में आज यहाँ पर बढ़ते अपराध और नशे पर कार्यवाही हो, ऐसा उनका कहना था। तो संदर्भ उनको अवगत कराया गया है कि लगातार अपराध हुआ नशा, उस पर पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है, चाहे किसी प्रकार का नशा हो, चाहे कोई भी इसमें शामिल हो। कार्यालय घेराव के ज्ञापन देने के लिए आए थे। जिस प्रकार से अवैध रूप से लगातार क्षेत्र में शराब बिक्री है, गांजा बिक रहा है, कायवाली हो रही है, लगातार इस चीजों को लेके अपराध बढ़ते ही जा रहे हैं। आज उसी विषय में हम लोग ने एसपी साहब को ज्ञापन सौंपा है और यह कहा है कि अगर उचित कार्रवाई मुख्य लोगों पर नहीं होगी तो आने वाले एक हफ्ते बाद हम लोग कलेक्टेड घेराव करेंगे। और लाइव के माध्यम से हमने दिखाया कि किस प्रकार से खुलेआम शराब बिक रही है, खुलेआम कायवाली हो रही है, जब हम युवा कांग्रेस के साथी वहां तक पहुंच सकते हैं तो प्रशासन उन तक क्यों नहीं पहुंच पा रही है।